2014 तक कश्मीर के जिन इलाकों में पत्थर बम और गोली का जोर चलता था, आज वहां मतदान का शोर सुनाई दिया। पहले दौर के चुनाव में 59% वोट पड़ गए। कुछ लोग पूछते हैं कि 370 के खात्मे के बाद कश्मीर में हुआ ही क्या है। जो हुआ है वो मतदान के आंकड़ों में ही साफ नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर के हालात बदल रहे, रफ्तार भले ही कुछ धीमी हो, क्योंकि पाकिस्तान ने साजिशें भी कम नहीं की हैं। और इस बार के चुनाव में तो साजिशों के तार अफगानिस्तान बॉर्डर से लेकर पेशावर, पीओके और एलओसी तक बिछा दिए गए। सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में वोटरों का हुजूम निकल आया तो बौखलाया पाकिस्तान हथियारों का जखीरा निकाल लाया। पाकिस्तान थोक के भाव अमेरिकी हथियार जम्मू कश्मीर भेज रहा है, क्या सोच रहा है? बेशक हमें लोग दहशतगर्द कहते हैं, कहीं मतलब जहाज जारी चला जारी क्यामत तक जारी रहेगा। अगर मुझे मौका मिले ना, ठीक है, इंडिया घुसने का सिर्फ, ठीक है, तो इंडिया को तबाह करके वापस आऊंगा। कश्मीर में चुनाव तो पाकिस्तान एलओसी पर ले आया जिहाद। जिन्होंने 70 साल से जम्मू कश्मीर के साथ खिलवाड़ किया, अमेरिकन आर्मी की M4 कार्बाइन पाकिस्तान में सेल लगी है। ये वीडियो पेशावर का बताया जा रहा है, जहां एक घर के अंदर M4 का जखीरा मौजूद है और खरीददार मोल भाव कर रहे हैं। ये खतरनाक हथियार बेचने वाला शख्स बंदूकों पर लगी अमेरिकी सरकार की सील बड़े शान से दिखा रहा है और ये भी बता रहा है कि ये बंदूकें अफगानिस्तान से आई हैं, जहां से 2021 में अमेरिकी फौज आनन फानन में भागी थी अपने हथियार और मशीनें छोड़कर। वही जखीरा किश्तों किश्तों में पाकिस्तान पहुंच रहा है। Was it smuggled? Or yeah, they left it in Afghanistan. They left it there, yeah. So, esta arma se la dejaron los militares americanos en Afghanistan. How much? And how much is this? It's like $500. अफगानिस्तान से लूटे अमेरिकी हथियार पाकिस्तान में सबके बीच बटे। हाफिज सईद की लश्करे तैयबा में भी, मसूद अजहर की जैश ए मोहम्मद में भी और सलाउद्दीन की हिजबुल मुजाहिदीन में भी, और सीधा एलओसी तक पहुंच गए। ये तस्वीरें नौशेरा की हैं। सितंबर के पहले हफ्ते में एलओसी पार करने की कोशिश कर रहे दो आतंकवादी इंडियन आर्मी ने ढेर किए थे। इनके पास से जो हथियार मिले उनमें एक M4 कार्बाइन भी थी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते गए, पाकिस्तान ने कश्मीर में जिहाद और हथियार दोनों का एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ा दिया। कश्मीर के अंदर जो है जिहादी एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहा था। मेरे ख्याल के मुताबिक इलेक्शनों की वजह से हो रहा सारा, ठीक है, इनको कश्मीर से कोई मतलब नहीं है, कोई प्यार नहीं है, क्योंकि कश्मीर पहले भी इंडिया के पास था। हाफिज सईद तो एक टेररिस्ट है, पाकिस्तान की जेल में भी कैद है ना, वो क्यों कैद है? इसी वजह से तो वो टेररिस्ट नहीं है, वो हमारे हीरो हैं। कश्मीर का वाहिद हल जिहाद ही है। कश्मीर प्लेट में रख के हमें नहीं मिल सकता, इसके लिए हमें तगोदो करनी पड़ेगी। बेशक हमें लोग दहशतगर्द कहते हैं, कहीं मतलब जहाज जारी चला जारी क्यामत तक जारी रहेगा। सिर्फ नौशेरा नहीं, अमेरिकी M4 कार्बाइन जून से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर में कई बार बरामद हो चुकी है। जून महीने में डोडा में हुए एनकाउंटर के बाद भी M4 कार्बाइन मिली थी। जून में ही जम्मू के हीरानगर में आतंकियों को ढेर करने के बाद इंडियन आर्मी ने उनके कब्जे से यही M4 कार्बाइन बरामद की थी। मतलब समझिए, पाकिस्तान के पास इन अमेरिकी बंदूकों का इतना बड़ा जखीरा है कि आतंकियों के हाथ में थमाने के बावजूद इतनी बंदूकें बाकी हैं, उन्हें चोर बाजार में भी बेचा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में ऑपरेट करने वाले आतंकियों के पास पहले ज्यादातर AK-47 राइफल ही होती थी,
लेकिन कश्मीर में चुनावों की तारीख क्या आई? पाकिस्तान सबसे आधुनिक हथियारों के साथ सबसे पुरानी कट्टरपंथी सोच लेकर दौड़ा चला आया। कश्मीर जाएंगे इंशाल्लाह। क्या करने? काफिरों को मारने, आजाद करवाने के लिए। अब मतलब इस्लाम के घर में पैदा हुए हैं, मुसलमानों के घर। हमें तरबियत ये दी गई है कि जिधर कलमे का नाम है, जिधर मुसलमानों का नाम है, उसके लिए जान कुर्बान कर। आप कश्मीर जाना चाहेंगे जिहाद के लिए? इंशाल्लाह जरूर, अगर मुझे मौका मिले ना। ठीक है, इंडिया घुसने का सिर्फ। ठीक है, तो इंडिया को तबाह करके वापस आऊंगा। कश्मीर तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, हम अपना जिहाद तो पहले कर लो, जिस मुल्क में रह रहे हो उसको तो सही कर लो। पीओके में जिन जगहों से ये आतंकी और हथियार कश्मीर में भेजे जा रहे हैं वहां की तस्वीर भी देख लीजिए। जम्मू कश्मीर में वोटरों का रेला निकला है तो पीओके में आतंकियों की रैली निकाली जा रही है। पीओके के आम लोगों पर रोटी और आटे के लिए प्रदर्शन करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन पाकिस्तानी फौज की मेहरबानी से आतंकवादियों को जिहादी नफरत घोलने की पूरी छूट है। पीओजेके के अंदर भूख, गुर्बत, लाचारी, बेबसी और मुफलसी। 18 तारीख को मुजफ्फराबाद की असेंबली के सामने वो अपने हकूक के लिए मुजाहरा करेंगे, अपनी परमानेंसी के लिए, अपनी तनख्वाहों के लिए वो मुजाहरा कर रहे होंगे वहाँ। ये फ़र्क है पुराने और नए कश्मीर में। यानी ये जो पीओजेके है ये भी पुराना ही जम्मू कश्मीर है, नया वो है जो मोदी और मनोज सिन्हा और उनकी टीम ने और अमित शाह जी ने जो दिया है कश्मीर को। जम्मू कश्मीर में हो रहे चुनावों से पाकिस्तान इस कदर बौखलाया क्यों है? पाकिस्तान ने एलओसी से इस बार अत्याधुनिक हथियारों की झड़ी क्यों लगा दी है? जवाब इन आंकड़ों में है। जम्मू कश्मीर में पहले दौर की 24 सीटों पर वोटिंग का प्रतिशत देखिए, औसत वोटिंग 59% रही। मुफ्ती परिवार की सीट बीज बहेरा पर 56% वोट पड़े। कुलगाम में 60%, शोपिया में 58%, पहलगाम में 68% और डोडा में 70% तक वोट पड़े। अभी कश्मीर में वो लोग इंडिया वाले अपने साइड कश्मीर पे इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। अच्छा। और अगर वहाँ पे 50% 60% से ज्यादा वोट डाल जाते हैं, इसका मतलब ये है कि कश्मीरी उनके साथ रहना चाह रहे हैं। जाहिर बात है अगर उन्हें वोट डाल रहे हैं तो फिर क्या कहेंगे इसके ऊपर? इसके ऊपर कश्मीरियों को सोचना चाहिए बस अपने हक पे। कश्मीर के हालात जो है वो बेहतर हो रहा है पाकिस्तान से भी। ठीक है, वहाँ पे अब जिस तरह इलेक्शन भी सुना है कि इलेक्शन वगैरह हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं अपने आप को। ठीक है, पाकिस्तान की निस्बत हमें भी सोचना चाहिए। और ये जो कश्मीर के नारे हैं इन्हें ज्यादा बढ़ा दें या क्या करें? तो सर हम पहले होंगे तो फिर ही कश्मीर का कुछ सोचेंगे ना। ठीक है, हमारा अपना ही यानी कि जो है स्टेटस हम अपना पहले लेकर आए, वहाँ तक फिर ही हम अगले की बात करेंगे। पहले दौर की ये वोटिंग पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा है। पाकिस्तान जिस बात से थरथरा रहा था वो जम्मू कश्मीर ने पहले दौर के चुनाव में ही सच साबित कर दिया। सुबह से लेकर शाम तक जम्मू कश्मीर के पोलिंग बूथ में उमड़ रही मतदाताओं की ये भीड़ पाकिस्तान के लिए सबसे डरावना सपना था जो हकीकत बन गया। किसी तरह का डर और खौफ तो नहीं लग रहा आज आपको वोट करने में? क्योंकि लोग पहले डरते थे वोट करना है। नहीं नहीं सर, कोई डर नहीं, हम अपनी खुशी से आए हैं वोट डालने के लिए। अक्सर कश्मीर में देखा गया कि चुनाव बायकॉट होता था, इसीलिए हम कहते थे ना जब वो तो हमने वही दौर देखे हैं, पहली बार ऐसा दौर देख रहे हैं हम। क्योंकि लोग मतलब आज कोई काल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लोग सब निकल गए, हम अपना नुमाइंदा चुनेंगे। तो खुश है आप वोट कर रहे हैं? हम खुश है कि हम अपना लीडर चुनने जा रहे हैं, तो हम खुश। जम्मू कश्मीर के लोगों ने बुलंदी के साथ जता दिया है कि उनकी हर मांग हर मुहिम भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर है। पाकिस्तान की आतंक नीति, अलगाववाद और पथराव वाले एजेंडे के दिन लद गए। हथियार भेजकर कश्मीर में खून बहाने और फिर दुनिया में घड़ियाली आंसू बहाने वाले पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर ने खारिज कर दिया है। जिन्होंने 70 साल से आपको बेवकूफ बनाया, जिन्होंने 70 साल से जम्मू कश्मीर के साथ खिलवाड़ किया, इनको रद्द कर दो। 370 की धारा खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में हमें देखने में आए इन्वेस्टमेंट है, डेवलपमेंट है, स्मार्ट सिटी है, बेशुमार चीजें हैं, G20 वगैरह, और कश्मीर को एक इंटरनेशनल प्रोफाइल, आप उसको कंटिन्यू करने के लिए भी वोट दे रहे हैं। यानी एक तरफ जो हासिल हो गया उसको बचाने के लिए और दूसरी तरफ मजीद बेहतरी लाने के लिए जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी दखल अब आखिरी सांसें ले रही है।
उसके भेजे आतंकियों को इंडियन आर्मी चुन चुन कर ढेर कर रही है और उसके एजेंडे को जम्मू कश्मीर की आवाम ने एक झटके में ढेर कर दिया है।